देवरिया जिले का मुस्लिम बाहुल्य करजहां गांव का महुआ टोला, यहां हुआ नाबालिग दलित युवती के साथ दुष्कर्म। पुलिस में तहरीर देने पर किया दलित मोहल्ले पर हमला। मुसलमानों ने अंबेडकर की प्रतिमा को भी किया क्षतिग्रस्त। 19 अप्रैल 2019 की रात रहमत अली ने करजहां गांव के महुआ टोले की दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की फिराक में घर का दरवाजा तोड़कर घुस गया और किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार के लोग जाग गए। विरोध करने पर किशोरी को धमकी देते हुए वो मौके से भाग गया। उसके बाद युवती के परिजन थाने पर गए और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पीड़ित परिवार के इस कदम से मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित मुस्लिम लामबंद होकर लाठी डंडा और तलवार की तैयारी के साथ अंधेरा होने का इंतजार करने लगे और रात होते ही पीड़ित किशोरी की बस्ती पर हथियारों के साथ हमला बोल दिया, जिसको जहां पाया वहां उसको बेरहमी से पीटा, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये तांडव करीब आधे घंटे तक चलता रहा। गांव के लोगों की माने तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, मगर उपद्रवियों का तांडव तब भी चालू रहा। करीब 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक दिव्यांग भी है। पीड़ित पक्ष की मांग है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अंबेडकर की प्रतिमा को ठीक कराया जाए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रहमत, समीर, शमशेर, इसरार, नौशाद, अताउल, फैजल और जहांगीर समेत 11 लोगों पर मारपीट, लूटपाट, मूर्ति क्षतिग्रस्त सहित अन्य धाराओं पर केस दर्ज हुआ है। आखिरी सूचना प्राप्त होने तक सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।